बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर हजारों रिकॉर्ड तोड़कर कर ली है रिकॉर्ड तोड़ कमाई। यहां तक कि फिल्म ने अपने देश में तो जबरदस्त कलेक्शन किया ही और साथ ही साथ फिल्म ने विदेशों में भी पूरी तरह से धमाका किया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जवान फिल्म के दो दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने हिंदुस्तान में सभी भाषाओं से कितनी कमाई की और साथ ही साथ फिल्म का विदेशों का कलेक्शन भी कितना हो चुका है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए फिल्मों से जुड़े ऐसे अपडेट्स लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शाहरुख खान ने जनवरी 2023 में सबसे पहले पठान जैसी एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी जिस फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। लेकिन अब सिर्फ 8 महीने बाद ही उनकी फिल्म जवान रिलीज हुई है जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पठान से बड़ी ओपनिंग ली और ये फिल्म पठान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है 1000 करोड़ वो भी तोड़ने वाली है। यानी कि यहाँ पर 8 महीने के अंदर ही शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस पर 2 मेगा ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं। लेकिन अभी तो उनकी फिल्म डंकी आना बाकी है और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर सकती है। हालांकि इस वक्त अगर बात करें जवान के बारे में तो एटली कुमार के डायरेक्शन में बनी जवान जिस फिल्म में जबरदस्त एक्शन है और इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ विजय सेतुपति और नयनतारा देखने को मिल रहे हैं। बताना चाहूंगी कि हमारे बॉलीवुड की बाकी सब फिल्में जब रिलीज होती हैं तो फिल्मों के शोज सुबह 8 या 9 बजे से शुरू होते हैं लेकिन शाहरुख खान की फिल्म जवान के शोज अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह 5 बजे से ही शुरू कर दिए गए थे। जी हाँ, ये फिल्म आधी रात से ही रिलीज कर दी गई थी और हर जगह फिल्म सुबह सुबह वाले शोज में ही पूरी तरह से हाउसफुल रही। अब जिन लोगों ने फिल्म को सुबह देखा उन लोगों के रिव्यू आए तो पता चला कि जवान फिल्म से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं। उससे कई गुना बेहतर ये फिल्म बनकर तैयार हुई है और जब फिल्म को अच्छे रिव्यू मिल गए तो उसके बाद क्या था, फिल्म में आफ्टरनून इवनिंग और नाइट वाले शोज में गजब का उछाल देखने को मिला और फिल्म के जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड और साउथ की जितनी भी फिल्में हैं उन सभी से काफी ज्यादा रहेगा। जी हाँ, आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जवान फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी हो, तमिल हो या तेलुगु हो, तीनों भाषाओं से इंडिया में ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है और विदेशों में भी फिल्म का कलेक्शन पूरी तरह से धमाकेदार रहा। हालांकि बात करें फिल्म के दो दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में तो उससे पहले बात करते हैं फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की, फिर बात करेंगे सेकेंड डे की। यहाँ पर शाहरुख खान की फिल्म जवान ने अपने पहले ही दिन इंडिया नेट कलेक्शन तमिल और तेलुगु से 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। वहीं हिंदी वर्जन से फिल्म का नेट कलेक्शन पहले दिन इंडिया में 65 करोड़ का रहा और इसी के साथ जवान का अगर तमिल, तेलुगु, हिंदी तीनों भाषाओं के कलेक्शन का मिला दें तो जवान का फर्स्ट डे नेट कलेक्शन 77 करोड़ का रहा। अब नजर डाली जाए कि फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की तो यहाँ पर पठान के जो सेकेंड डे के कलेक्शन है वो पहले दिन के मुकाबले 15% ड्रॉप हो चुकी है क्योंकि कल जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जन्माष्टमी की छुट्टी थी, त्योहार का दिन था, इसके चलते फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग मिली। लेकिन आज फ्राइडे है, ना कोई छुट्टी है ना कोई त्योहार, जिसके चलते फिल्म की ऑक्यूपेंसी में गिरावट आना मामूली बात है। लेकिन गिरावट आई इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड डे फिल्म के कलेक्शन कम हो रहे हैं, लेकिन सेकंड डे फिर से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर लेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई। फिल्म को अपने सेकंड डे हिंदी मार्केट में तो अच्छी खासी ओपनिंग मिली थी मॉर्निंग वाले शोज में, साथ ही साथ तमिल और तेलुगु में भी फिर से फिल्म ने अच्छी खासी शुरुआत कर दी है। बता देते हैं कि फिल्म के जो सेकंड की एडवांस बुकिंग है वो 28 करोड़ की हो चुकी थी। हालांकि बात करें इस सेकंड डे डिटेल कलेक्शन के बारे में तो यहां पर शाहरुख खान की फिल्म अपने दूसरे दिन तमिल और तेलुगु से नेट कलेक्शन लगभग 6 करोड़ रुपए का कर रही है। वहीं हिंदी वर्जन में ये फिल्म दूसरे दिन भी 55 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर चुकी है। यानी कि जवान फिल्म का जो सेकंड ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों भाषाओं का वो रहा है 61 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये फिल्म दूसरे दिन भी ऑल इंडिया से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा नेट कलेक्शन कर रही है। अगर जोड़ा जाए तो दो दिनों की फिल्म का टोटल कलेक्शन कितना होता है तो यहाँ पर जवान फिल्म का दो दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन तीनों भाषाओं से 138 करोड़ का हो रहा है। वहीं दो दिनों में इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ रुपए। बात करें ओवरसीज कलेक्शन की तो एस्टिमेटेड करोड़ों के हिसाब से यहां पर जवान फिल्म ओवरसीज मार्केट में दो दिनों के अंदर 75 करोड़ रुपए कमा रही है और इसी के साथ जवान फिल्म के जो दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो लगभग 240 करोड़ रुपए का हो रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान दो दिनों में दुनिया भर के अंदर 240 करोड़ रुपए कमाई कर रही है। फिल्म का बजट है 300 करोड़ रुपए और फिल्म दो दिनों में ही दुनिया भर से 240 करोड़ रुपए कमा रही है
और कल तो सैटरडे है, तो कल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और बड़ी उछाल मार सकती है और कल तक इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन शायद 350 करोड़ के आंकड़े को टच कर जाएगा, यानी कि शाहरुख खान की फिल्म जवान 3 दिनों में ही ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन अभी देखना ये बाकी है कि क्या शाहरुख खान के जवान फिल्म पठान का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है 1000 करोड़ रुपए का, उसे तोड़ पाती है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन क्रॉस करने में कामयाब रहेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल एजी फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।